स्वागत है दोस्तों आपका टेक्निकल इंडिया चैनल पर, और मैं हूं आपके साथ तमनवित। और यहां पर मैं ले आया हूं एक और शानदार HTML का वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप HTML और CSS की मदद से एक टाइपराइटर इफेक्ट डेवलप कर सकते हैं। इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में हम और एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करें, वो भी टाइपराइटर इफेक्ट ही होने वाला है, बट उसे हम थोड़ा डिफरेंट करेंगे और उसमें HTML CSS के अलावा जावास्क्रिप्ट भी होने वाला है। तो दोस्तों मेरे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, इसलिए आपको अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो दोस्तों यहाँ पर बिना हम टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारे HTML के पार्ट पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोस्तों मैंने यहाँ पर जो बेसिक मेरा HTML का स्ट्रक्चर है उसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख रखा है। सो नाउ वी आर गोइंग टू एड अ डिव क्लास। तो मैं यहाँ पर डेव क्लास ले लेता हूँ एक, और इस क्लास का नाम टाइप राइट दे देता हूँ। और इसके अंदर हम सिंपली एक H1 टैग लेंगे और उसके अंदर मैं लिखता हूँ वेलकम टू टेक्निकल इंडिया चैनल सब्सक्राइब नाउ। दोस्तों हमने यहाँ पर अपना जो टेक्स्ट था वो हमने यहाँ पर लिख लिया है। सो एक बार इसे रन करके देख लेते हैं। तो ये ब्लैक कलर का नॉर्मल आया है और ये एक्सपेक्टेड है कि ऐसा ही आएगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे स्टाइल डॉट सी एस एस पर। सो हम यहाँ पर बॉडी टैग को पहले डिफाइन कर लेते हैं। सो बॉडी टैग को हम यहाँ पर बैकग्राउंड, और यहाँ पर हम बैकग्राउंड जो सेट करने वाले हैं वो होगा #333, जो कि एक ग्रे कलर का एक वेरिएशन आता है। और हम यहाँ पर जिस तरह का इफेक्ट देने वाले हैं उसके लिए ये बैकग्राउंड कलर सबसे बेस्ट होने वाला है। सो यहाँ से हम पैडिंग टॉप को सेट करेंगे टू 5 EM, एंड देन वी हैव डिस्प्ले एज फ्लेक्स, और यहाँ पर हम यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट भी करेंगे टू सेंटर। तो दोस्तों मैं आपको अभी एक चीज़ बताने वाला हूँ कि अगर आपको इन सब जो मैंने यहाँ पर CSS के जो कमांड्स लिखे हैं, आपको अगर इनके बारे में नहीं पता है तो आप मेरा पहला पिछला वीडियो देख सकते हैं कि जिसमें मैंने विंडोज 11 को डेवलप किया था HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से। उसमें मैंने ये जो सारे टैग्स मैंने यहाँ पर राइट किया है, मतलब यहाँ पर जो सारे टैग्स मैंने यहाँ पर लिखा है, उन सबको मैंने बहुत ही एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन में समझा रखा है। तो उस वीडियो का लिंक अगर आपके पास नहीं है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां से जाके उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम यहां पर देखने वाले हैं कि कैसे हम यहां पर जो टाइपराइट के जो प्रॉपर्टीज हैं उनको हम कैसे यहां पर डेवलप करते हैं CSS में। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टाइपराइट और H1 टैग एक साथ हम यहाँ पर डेवलप करने वाले हैं। सो सेट कलर टू वाइट, सो FFF, और यहाँ पर हम करने वाले फॉन्ट फैमिली टू मोनोफेस, सॉरी मोनोस्पेस होगा वो, मोनोस्पेस। और यहाँ पर हम ओवरफ्लो को सेट करते हैं टू हिडन। उसके बाद दोस्तों हमारे पास बॉर्डर राइट होगा, सो बॉर्डर राइट वुड बी सेट टू .15 EM, और यहाँ पर हम यहाँ पर कलर भी इसको दे देते हैं एक सॉलिड ऑरेंज। और दोस्तों ये जो हमने यहाँ पर किया है वो होगा कि टाइपराइटर का जो कर्सर है उसको हमने यहाँ पर मतलब एक प्रॉपर्टी दिया है। बॉर्डर राइट का मतलब वो जो टाइपराइट का जो कर्सर है उसको हम बॉर्डर की एक मतलब प्रॉपर्टी से वहाँ पर एक डेवलप करने वाले हैं। तो वाइट स्पेस कर देते हैं, वाइट स्पेस को हम यहाँ पर नाउ रैप करते हैं। सो नाउ वी विल सेट टू मार्जिन एज 0 auto, तो हम यहाँ पर 0 auto पर मैंने मार्जिन को सेट कर दिया। लेटर स्पेसिंग होगा, सो लेटर स्पेसिंग हम कितना देना चाहते हैं आप जितना चाहे आप उतना दे सकते हैं। मैं यहाँ पर एक स्टैंडर्ड जो स्पेसिंग होता है उसे ही मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ। और लास्टली एनिमेशन, सो एनिमेशन हम यहाँ पर करने वाले हैं, तो यहाँ पर मैं एक एंटर कर देता हूँ। और यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा टाइपिंग
मतलब टाइपिंग का, और 3.5s ये टाइम है। और इसके बाद स्टेप्स, स्टेप्स के अंदर 30 एंड देन एंड। सो ये हमारा बेसिक हो गया। और यहाँ पर जो हमारा ब्लिंक है, तो ब्लिंक को हम यहाँ पर सेट करते हैं ब्लिंक कैरेट, और यहाँ पर हम .5s, ये टाइम हो गया हमारा, और स्टेप एंड तो हमने यहाँ पर, और इन्फिनाइट भी हमें देना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये इन्फिनाइट टाइम्स हम यहाँ पर रन कर सकते हैं। सो ये था दोस्तों, हमारा टाइपराइट का भी इफेक्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहाँ पर की फ्रेम्स सेट करनी पड़ेंगी। सो सेट की फ्रेम्स को हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं। सो की फ्रेम्स, मैंने यहाँ पर की फ्रेम्स टू टाइपिंग, और यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा फ्रॉम, फ्रॉम, और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर विद, सो विद विल बी सेट टू 0, और उसके बाद हम यहाँ पर टू भी लिखने वाले हैं। सो टू वेयर विद वुड बी सेट टू 100%। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने की फ्रेम का जो टाइपिंग का था वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हम लास्टली की फ्रेम्स ब्लिंक कैरेट को यहाँ पर हम करते हैं। सो ब्लिंक कैरेट, और इसके अंदर हमें करना पड़ेगा फ्रॉम कॉमा टू, यहाँ पर लिखना पड़ेगा बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर या नीचे है बॉर्डर कलर। सो बॉर्डर कलर सेट टू ट्रांसपेरेंट, पर मैं इसे ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ। एंड देन मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा 50%। ये सारे मैं अब जो कर रहा हूँ वो सारे एनिमेशंस के कोड्स हैं। तो यहाँ पर भी एक बॉर्डर कलर हमें यहाँ पर सेट करना पड़ेगा टू ऑरेंज। ये आप समझ ही सकते हो कि ये हमारा कर्सर का कलर होने वाला है। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर अपने कोड को चेक कर लिया है एंड इट्स ऑल फाइन। मैंने एक बार वीडियो को पॉज करके उसको रन भी कर लिया है, नाउ इट्स फाइन। तो दोस्तों, यहाँ पर वीडियो के पॉज करने के बाद मैंने यहाँ पर कुछ कमेंट्स भी ऐड कर दिए कि जब आप मेरे सोर्स कोड को एक्सेस करो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है कोड लिखने में या वगैरह वगैरह, कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, एरर्स आते हैं कभी कभी, फॉलो करने में कुछ गलती हो जाती है, इसके लिए आपको आ सकती है एरर्स। तो मैंने यहाँ पर अपना सोर्स कोड फ्री एक्सेस रखा है, आप उसे डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने कमेंट्स भी लिख दिए हैं ताकि आप जब मेरे सोर्स कोड को एक्सेस करो, आपको हर एक कमांड जो मैंने यहाँ पर लिखा है उसको, उसका जो मीनिंग है यहाँ पर लिखने का, उसका जो लॉजिक है उसको यहाँ पर लिखने का, उसके लिए मैंने कमेंट्स लिख दिया आपको। पर आप जब भी उसे पढ़ोगे आपको पूरा मैटर समझ में आ जाएगा। नाउ इट्स टाइम टू रन द कोड। तो मैं अपने माइक्रोसॉफ्ट ब्राउज़र में जाता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है। एंड लेट्स रिफ्रेश। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऑलरेडी एक टाइपराइटर इफेक्ट हमने कर लिया है एंड इट्स वर्किंग, प्रॉपरली वर्क कर रहा है, कोई लैगिंग नहीं है, कोई इशू नहीं आ रहा है। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम्स आ रही है कि नई कोड लिखने के बाद भी आपको अगर ये नहीं दिखा रहा है, टाइपराइटर अगर काम नहीं कर रहा है, देन यू कैन ऑफकोर्स गेट फ्री एक्सेस टू माई कोड, और उसका लिंक मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरे जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। और अगर आप और भी टाइपराइटर इफेक्ट्स देखना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के पहले ही बता दिया था कि इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम जावास्क्रिप्ट को भी यूज़ करने वाले हैं। जावास्क्रिप्ट जब यूज़ करेंगे तो कुछ रिजल्ट ऐसा आएगा, मैं आपको ज़रा यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ कि रिजल्ट कैसा आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे पास ये एक डेमो है, तो आप देख सकते हो कि वेलकम टू टेक्निकल इंडिया, तो ये यहाँ पर ऑटोमेटिक आ रहा है, फिर ये ऑटोमेटिक
इरेज हो रहा है, आई एम तमन विद, ऐसा आ रहा है, वेलकम टू माय ऑफिशियल साइट। ये एक मैं बस एक एंजॉयमेंट के लिए एक डेवलप कर रहा था। वहाँ पर मैंने इस टाइपराइटर इफेक्ट को डेवलप किया, जिसमें कि मैंने यहाँ पर जावास्क्रिप्ट भी यूज़ किया है। तो अगले वीडियो में दोस्तों जावास्क्रिप्ट की मदद से कैसे हम एक टाइपराइटर इफेक्ट को डेवलप कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। हाँ दोस्तों, और एक जो मैं फन टिप आपको जो देने वाला हूँ इस वीडियो में, जब हम जावास्क्रिप्ट में यूज मतलब डेवलप करेंगे टाइपराइटर इफेक्ट को, आप सोच रहे हो कि नहीं यार फिर तो सीएसएस और भी लिखना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट तो है ही, सीएसएस भी लिखना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, सीएसएस आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर मैं बात करूँ तो सीएसएस की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप मतलब बॉडी टैग को अगर आप कुछ इफेक्ट्स वगैरह मतलब जो बैकग्राउंड दे सकते हैं वो आप एचटीएमएल भी दे सकते हैं, सीएसएस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल का ही काम होने वाला है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही फिलहाल, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।